हेलो गाइज, दिस इज समीर वड़कर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं रिलेटेड टू TFWS। सो गाइज, TFWS क्या है बेसिकली, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, मतलब ऑफलाइन में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, TFWS सिर्फ हमें फर्स्ट ईयर में मिलेगा, नेक्स्ट ईयर्स में भी मिलते रहेगा कि नहीं। सो गाइज, ऐसे सारे डाउट्स आज के वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। जब मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ तो गाइज, आपको इस वीडियो के अलावा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आपको कहीं पे भी जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में देने वाला हूँ। आई हैव माई फ्यू फ्रेंड्स हु हैव गॉट दिस TFWS स्कॉलरशिप। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज TFWS। गाइज, TFWS स्टैंड्स फॉर ट्यूशन फी वेवर स्कीम। तो गाइज, TFWS में क्या बेनिफिट्स मिलता है? गाइज, TFWS सबसे बेस्ट स्कीम अभी तक की है जहाँ पे आपको ट्यूशन फी जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। मतलब कोई भी कॉलेज होता है, लाइक सपोज किसी कॉलेज का 2 लाख एडमिशन फीस है, तो गाइज 2 लाख के एडमिशन फीस में बहुत सारे फीस इंक्लूड होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट, ट्यूशन फीस, उनके प्रैक्टिकल फीस, एग्जाम फीस, जिम कॉस्ट, व्हाटएवर, बहुत सारे फीस उसमें इंक्लूड होते हैं। और उसमें मेजर पार्ट होता है ट्यूशन फीस का। अगर किसी कॉलेज का 2 लाख फीस है तो अराउंड 170,000 उसके ट्यूशन फी होता है, तो वो 170,000 आपका जीरो हो रहा है, तो सिर्फ आपको 30,000 पे करना है। ये मैंने सिर्फ आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया। ये बहुत सारे केस में बहुत TFWS के जो फीस होते हैं बहुत ही कम होते हैं, लाइक 17,000, 10,000, 15,000। तो गाइज ये आपको बेनिफिट मिलता है। गाइज अभी हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। गाइज जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने कैप काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम पे सबमिट किए थे, ऑनलाइन अपलोड किए थे, सेम डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज के टाइम जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो सिर्फ उसी टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स देना है। उसके बाद आपको TFWS मिल जाएगी और TFWS में इनकम सर्टिफिकेट आपको देना है एंड दैट्स इट। गाइज एक बार आपने TFWS के लिए एडमिशन ले लिया तो आपको वही फीस आपको 4 साल तक पे करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज की TFWS फीस 10,000 है तो आपको फर्स्ट ईयर में भी 10,000 पे करना है, सेकेंड ईयर में भी 10,000, थर्ड ईयर में भी 10,000, फोर्थ ईयर में भी 10,000 पे करना है। क्या हमें हर साल कहाँ पे वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा? नो गाइज, आपको कहीं पर भी अप्लाई नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन लेना है, दैट्स इट। क्या हमें हर साल इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, देना पड़ेगा? नो गाइज, आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही इनकम सर्टिफिकेट देना है, दैट्स इट, आपको TFWS सीट मिल जाएगी। इसके लिए कौन एलिजिबल है? सो गाइज, इसके लिए एलिजिबल है MHT CET स्टूडेंट्स। गाइज JEE स्टूडेंट इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेट मी टेल यू, आपको अगर आपने MHT CET दिया है तो गाइज यस, यू आर एलिजिबल फॉर TFWS स्कीम। आपको कोई भी कास्ट चल सकते हैं, आप कहाँ से भी हो, डजेंट मैटर, आपको सिर्फ MHT CET देना है और आपको TFWS कट ऑफ क्लियर करना है। तो गाइज सेकेंड थिंग, TFWS ऑफलाइन एडमिशन में मिल सकता है कि नहीं, कि सिर्फ ऑनलाइन में ही मिलता है? तो गाइज इसका आंसर है यस, ऑनलाइन में ही मिलेगा। गाइज TFWS सीट्स ऑनलाइन एडमिशन में ही मिलता है, ऑनलाइन कैप एडमिशन। सो गाइज ये TFWS के सीट्स कितने परसेंट में होते हैं, हर क्लास में आपको कितने TFWS सीट्स रिजर्व मिलेंगे? तो गाइज हर ब्रांच के लिए TFWS की सीट्स 5% रिजर्व होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लास में, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में अगर 120 सीट्स है तो गाइज उस ब्रांच के 5% सीट, अभी 120 का 5% कितना होता है, 6 सीट्स, तो गाइज 6 सीट्स TFWS स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहेंगी। अगर 180 सीट्स होती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो उसके 5% मतलब कितना, 9 सीट्स TFWS को आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर 60 सीट्स है 3 सीट्स आपको TFWS में देखने को मिलेंगे। तो गाइज TFWS में सीट्स मिलने के कितने चांसेस होते हैं और इसकी क्या एलिजिबिलिटी है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज एलिजिबिलिटी यही है कि आपका जो इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट, इट शुड बी लेस देन 8 लाख रुपीज। आपका फैमिली जो इनकम है इट शुड बी लेस देन 8 लाख रुपीज। गाइज बेसिकली आपको ट्यूशन फी एकदम जीरो है तो बेसिकली इसका कट ऑफ भी हाई होता रहेगा। अगर आपका रैंक अच्छा है एंड आपके परसेंटेज अच्छे है तो डेफिनेटली आपको TFWS मिल सकता है। गाइज कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि भैया अगर हमें कैप राउंड 1 में TFWS मिलता है तो हमें कैप राउंड 2 में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं? लेट्स अज्यूम करते एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, हमने पास कॉलेजेस डाले और हमें 5th नंबर का कॉलेज पे TFWS सीट मिलती है। गाइज यार TFWS मिला है कौन छोड़ेगा, कौन कैप राउंड 2 भी के लिए अप्लाई करेगा? तो गाइज आई वुड रिकमेंड यू गाइज अप्लाई करो कैप राउंड 2 के लिए भी। तो गाइज गाइज आपको ऑप्शन मिलता है जब आप 5 कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो, जब आप कैप राउंड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कोई तो एक्सपेक्टेशन होगा कि आपको फर्स्ट 4 में से कोई तो कॉलेज लगेगा, डेफिनेटली राइट।
अगर नहीं भी लगता पर ट्राई करने के लिए किया जा रहा है, अगर लगा तो ठीक है, नहीं तो अपना कैप राउंड वन का TFW सीट आपके साथ ही रहेगा, ठीक है, आपका वो चला नहीं जाएगा। अगर आपको कोई भी कॉलेज कैप राउंड टू में नहीं लगता तो आपका कैप राउंड वन का जो TFW सीट है वो आपको एज इट इज़ मिलेगा कैप राउंड टू में भी। बट इनकेस अगर आपको कैप राउंड टू में कॉलेज लगता है तो गाइज आपका जो TFW सीट है, आपको जो लगा है वो चली जाएगी सीट। तो गाइज ये आपको ध्यान में रखना है। अगर फिफ्थ नंबर पे था अपना थर्डोमल, लेट सपोज अगर आपको फिफ्थ नंबर पे थर्डोमल TFWS लगा है, कैप राउंड टू में अप्लाई करते हो एंड आपको DJ सांगवी में भी TFWS लगता है तो डेफिनेटली आप DJ सांगवी TFW एक्सेप्ट करोगे एंड ये आपका नीचे वाला जो थर्डोमल था वो आप चली जाएगी। इन केस आपको फिफ्थ नंबर पे थर्डोमल पे TFWS लगा था और सेकेंड कैप राउंड में आपको DJ सांगवी की ओपन सीट लगती है या फिर माइनॉरिटी सीट लगती है तो गाइस आपका ये जो TFWS सीट है वो चली जाएगी। देन आपको डिसाइड करना है क्या करना है। अगर इस सिचुएशन अगर मैं होता और मुझे सिर्फ TFWS चाहिए तो मैं क्या करता, कैप राउंड वन में जो मुझे TFWS मिली है थर्डोमल की फिफ्थ पोजीशन पे वो मैं एज इट इज़ रखता एंड कैप राउंड टू के लिए भी अप्लाई करता, बट इस टाइम मैं सिर्फ DJ सांगवी की TFWS सीट ही को ही अप्लाई करता, मैं ओपन और माइनॉरिटी सीट वाली सीट को अप्लाई नहीं करता। मतलब गाइस आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आपको एक नॉर्मल सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो और TFWS के सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब जब आप अप्लाई करोगे कॉलेजेस के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लाइक SPIT नॉर्मल सीट और SPIT TFWS सीट। तो आपको SPIT नॉर्मल सीट को भी अप्लाई करना है, एक SPIT TFWS को भी अप्लाई करना है। जिसका कट ऑफ क्लियर होगा आपको वो कॉलेज वो सीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेटली आप सिर्फ TFWS के लिए अप्लाई करना। तो गाइस आप में बहुत सारे ये भी क्वेश्चन होगा कि लाइक अगर मुझे कैप राउंड में TFWS मिलता है तो कैप राउंड टू के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, कि हमें ओपन अगर ओपन मिल रहा है अगर अच्छे कॉलेज में तो वो लेना चाहिए कि नहीं। तो गाइस डेफिनेटली अगर कॉलेज अच्छा नहीं है और वहाँ पे आपको TFWS मिल रहा है तो गाइस उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट में आपको प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, राइट। तो अगर किसी अच्छे कॉलेज में अगर आपको ओपन सीट मिल रही है तो आई वुड रिकमेंड गाइस गो फॉर दैट कॉलेज, भले आपको आपके पास TFWS नहीं। अगर अच्छे कॉलेज में TFWS मिल रहा है तो गाइस डेफिनेटली लो ही, बट अगर किसी कॉलेज में आपको फर्स्ट कैप राउंड में जो अच्छा कॉलेज नहीं हुई वहाँ पे आपको TFWS मिल रहा है और आपके पर्सेंटेज उतने अच्छे हैं जो कैप राउंड टू में अच्छा कॉलेज दिला सकता है तो गाइस डेफिनेटली कैप राउंड टू के लिए करो, बिकॉज प्लेसमेंट इज़ गुड। अगर प्लेसमेंट के अपॉर्चुनिटी अच्छे कॉलेज में ज़्यादा होते तो दैट वॉज द रीज़न बिहाइंड दैट। सो गाइस या दैट्स इट। अगर कोई अगर डाउट है जो कि आई थिंक मैंने मिस किया है तो गाइस डेफिनेटली आप कमेंट डाउन कीजिए, उसे मैं डेफिनेटली उसको आपको रिप्लाई दूंगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दैट्स इट। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।